अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हमारा SST का जो लेक्चर है वो यूनिट नंबर 1 चैप्टर 4 लैंड में से क्वेश्चन नंबर 4 का है। तो आप अपने नोट्स ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाउ ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर कल्टीवेशन डैमेजेस लैंड, यानी ओवर ग्रेजिंग जो है और ओवर कल्टीवेशन जो है वो किस तरह से हमारी ज़मीन को नुकसान पहुँचाती है। ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर कल्टीवेशन आर द प्रॉब्लम्स फाउंड इन रूरल एरियाज़, यानी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ज़्यादा देहाती इलाकों में होती है, यानी ग्रेजिंग जहाँ पे जानवर जो हैं वो अपना चारा वगैरह खाते हैं तो वो देहाती इलाकों में ही ज़्यादा होती है, और कल्टीवेशन जो काश्तकारी का तरीका है वो भी ज़्यादा मतलब देहाती इलाकों में ही हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ओवर ग्रेजिंग कैन रिड्यूस एडिबल प्लांट लाइफ इन एन एरिया, कॉज वीड्स टू बिकम मोर प्रिवेलेंट एंड कैन कॉज सॉयल इरोजन, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ टू मैनी एनिमल्स लिविंग एंड ईटिंग इन वन लोकेशन एंड बाई पुअरली मैनेज फार्मिंग सिस्टम। तो एक ही जगह से मतलब बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन होने की वजह से वो सॉइल भी रेयन हो जाती है, यानी ज़मीन तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है, उसके अलावा एनिमल्स भी जो है वो एक ही जगह से बहुत ज़्यादा ईटिंग करने की वजह से वहाँ पर जो फार्मिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आज के आपके लेक्चर में इंक्लूड है, आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको याद करना है।